हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू अभिमन्यु आईएएस। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी अभिमन्यु आईएएस। सो एज द एचएस प्रीलिम्स इज ओवर, अपना एचएस प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट हो चुका है एंड ऑफिशियल की आल्सो इज आउट, ऑफिशियल की भी आउट हो चुकी है एंड आई एम श्योर कि आपने अब तक अपने आंसर्स मिला लिए होंगे। सो अब जो बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर ये सब हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, राइट? पहली बात तो ये कि अगर आपने अभी तक ऑफिशियल आंसर किसी अपने आंसर्स नहीं मिलाए तो काइंडली डू दैट राइट नाउ। अपने पहले आंसर जरूर चेक करने हैं, आपको चेक करना है, अपने मार्क्स कैलकुलेट जरूर कर लीजिए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। सो अगर आपके, मैं कहूं, अगर आपके 45 टू 50 की रेंज में मार्क्स बन रहे हैं, राइट, अगर आपके 45 टू 50 के मार्क्स में रेंज बन रहे हैं तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अगर आपका 45 से कम मार्क्स बन रहे हैं या 50 से ज्यादा मार्क्स बन रहे हैं तो उनके लिए भी क्या क्या स्टेप होने चाहिए, आज इस वीडियो के अंदर हम इस बारे में बात करेंगे, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो, राइट? कि नाउ एचएस प्रीलिम्स इज ओवर, व्हाट टू डू नेक्स्ट। सो ये वीडियो आपके लिए है कि एचएस प्रीलिम्स हो गया सर, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या, आप करना क्या है, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज है। कई बच्चे बैक स्टेप बैठे हैं, कईयों के मार्क्स इस हिसाब से बन रहे हैं कि वो रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, राइट? सो आई विल टेल यू वन थिंग विच इज, अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 45 टू 50 की रेंज में, 45 से 50 की रेंज में बन रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने नेक्स्ट प्रिपरेशन, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना है, मतलब दैट इज मेंस। आपको मेंस की प्रिपरेशन के अंदर बिल्कुल जुड़ जाना है अब, राइट? अगर आपके इसमें बन रहे हैं चुपचाप ज्यादा ना को सोचते हुए मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, राइट? और अगर आपके बन रहे 50+, डेफिनेटली फिर तो आपको तब भी मेंस की प्रिपरेशन करनी है। लेकिन अगर आपके बन रहे हैं लेट्स से 40 टू 45 की रेंज में या उससे कम बन रहे हैं, 40 से भी कम बन रहे हैं अगर, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? आई विल सजेस्ट, अगर आपके 40 से 45 की रेंज में मार्क्स है ना, तो आई विल से स्पेशली ये उनके लिए जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और तब आपके इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, तो अगर आपके 40 से 45 की रेंज में भी है ना, तो आई विल से कि आप भी मेंस के लिए प्रिपरेशन कीजिए, यू ऑल्सो गो फॉर मेंस। रीजन बींग कि कट ऑफ का कुछ नहीं पता, एग्जाम लेवल डेफिनेटली हाई था, ऑप्शंस बहुत ही टफ बना रखे थे, सो एग्जाम लेवल टफ था तो कट ऑफ के नीचे जाने के चांसेस पूरे हैं। तो अगर कट ऑफ नीचे जाती है और आपका, मान लो आप रिजल्ट की वेट करते रह गए और आपका हो गया एग्जाम क्लियर, तो उस केस में क्या होगा कि जिन दिनों में आप प्रिपेयर कर सकते थे आप उन दिनों में सिर्फ रिजल्ट की वेट करते रह गए और वो वाला टाइम आपका हो गया वेस्ट, तो उसका बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे वो कहीं ना कहीं आपसे रेस में आगे निकल जाएंगे। So, आपको क्या करना है, वेट नहीं करना। और अगर मान लो आपका एग्जाम नहीं भी क्लियर होता, मेंस अगर नहीं प्रीलिम्स नहीं निकला, तो ये जो आपकी प्रिपरेशन होगी ना मेंस की, इसको आप कंटिन्यू रखिए, ये आपके नेक्स्ट एचसीएस अपने एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आपके काम आएगा, ये वाली मेहनत बिल्कुल आपके नेक्स्ट एग्जाम के अंदर काम आने वाली है। सो डेफिनेटली यू शुड ऑल्सो प्रिपेयर फॉर इट, राइट? और अगर आपके लेस देन 40 है ना, 40 से कम है अगर आपके मार्क्स, देन आई विल से फर्स्ट ऑफ ऑल डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी होप छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा नहीं सोचना कि कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसे कोई बात नहीं है, आपको एनालाइज करना है, यू हैव टू नाउ एनालाइज कि पेपर में गलती कहां पर हुई, ये क्या कोई सिली मिस्टेक्स करी है या प्रिपरेशन में ही कमी थी। अगर आपके 40 से कम है तो आई कैन से दैट कि सिली मिस्टेक्स के चांसेस कम है, प्रिपरेशन में ही कहीं ना कहीं लैग था, तो आपको वो एनालाइज करना है कि यार कौन सा टॉपिक मिस रह गया हमारा, स्टैटिक में मिस का दिक्कत थी, करंट में मिस दिक्कत थी, कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत थी, कोई हमारा सब्जेक्ट तो वीक नहीं था, एंशियंट तो वीक नहीं थी, पॉलिटी में गड़बड़ तो नहीं कराए, राइट? ज्योग्राफी के अंदर, बिकॉज पॉलिटी और ज्योग्राफी का बहुत ज्यादा डोमिनेशन था इस बार पेपर में, और एंशियंट का भी, मॉडर्न से तो क्वेश्चन ही नहीं आए थे, तो क्या हमने सारा सिलेबस कवर किया था, नहीं, ये सब चीजें एनालाइज करनी है आप कि क्या भाई पूरा सिलेबस कवर करके गया था या गया थी कि गई थी कि नहीं, तो कहीं उसी में कमी तो नहीं थी, सिलेबस पूरा ना कर रहे की वजह से तो नहीं पीछे रह गए। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, आप एनालाइज करनी पड़ेंगी, क्योंकि यही चीजें आपके काम आएगी। और माइंड यू, अभी के अभी करना है ये, आप इस चीज को नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं करोगे, बिकॉज अभी आपकी मेमोरी एकदम फ्रेश होगी, जो आप एग्जाम दे के आए होंगे आपको एट अ टाइम बिल्कुल उसी टाइम रियलाइजेशन हो जाएगी कि आप गलती बिल्कुल नहीं करनी थी। नेक्स्ट ईयर तक आई कैन गारंटी आप सारी चीजें भूल चुके होंगे, जो भी आप गलतियां करके आएंगे तो सेम चीज आप मिस्टेक भी रिपीट आप नेक्स्ट ईयर भी कर सकते हैं, तो वो काम बिल्कुल भी नहीं करना। यस और नो, आई होप बातें समझ में आ जाएंगी जो मैं बताना चाह रहा हूं कि कौन सी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, अकॉर्डिंगली आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, राइट? सबके लिए, मतलब एग्जाम को तो फोकस में रखना ही है आपको, डिसहार्टन होने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई सी का एग्जाम नहीं भी निकल रहा तो जो आपकी पढ़ाई जो मेहनत है वो डेफिनेटली आपके काम आने वाली है, नेक्स्ट एग्जाम में जरूर काम आ जाएगी।
राइट ओके. सो विद दिस व्हाट आई एम, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर आपने ठीक है बता दिया कि सर मेंस की तैयारी करनी है, लेकिन हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस, हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस, इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके साथ पास, विच इज सबसे, देखो मेंस में क्या है कि आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, किस चीज की, आंसर राइटिंग की, दैट इज द की हियर, आंसर राइटिंग. कंटेंट तो आपके पास, आपने प्रीलिम्स की अच्छे से तैयारी करी है तो 80% काम तो 80% कंटेंट तो आपके पास है. कंटेंट सिर्फ 10-20% ही कम होता है, वो कवर हो जाएगा. लाइक आपका एसे का पार्ट होता है एक्स्ट्रा, एक इंग्लिश का पेपर आएगा आपका, राइट, और थोड़े बहुत छोटे मोटे टॉपिक्स और होते हैं ऐसे. बट जो मेन चेंज आएगा वो आएगा आंसर राइटिंग, जिसमें बच्चे लैग करते हैं, जो मेंस के लिए जो कि की है, जो कि एग्जाम क्लियर करने का यही एक तरह सोल्यूशन है, विच इज द आंसर राइटिंग. तो इसके लिए मैं एक सोल्यूशन आपके सामने बड़ा अच्छा से लेके आया हूं, विच इज द प्रीलिम्स टेस्ट, मेंस टेस्ट सीरीज लॉन्च्ड बाय अभिमन्यु. सी हियर, अभिमन्यु आईएएस ने एचसीएस मेंस के लिए एक्सक्लूसिवली एक मेंस की टेस्ट सीरीज आपके सामने लेके आए हैं, जिसके अंदर आपका हिंदी इंग्लिश, राइट, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है ये, राइट, इट इज इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. आपके लिए एक बहुत ही, एक बहुत ही उसके टाइम एंड एफर्ट लगा के इस टेस्ट सीरीज को बनाया गया है, जिसके अंदर आपके पास यू विल बी गेटिंग व्हाट 16 टेस्ट, टोटल 16 टेस्ट मिलेंगे आपको, राइट, 8 सेक्शनल टेस्ट है, उसके बाद 3 इंग्लिश के, 3 हिंदी के टेस्ट है, 2 कंप्लीट जीएस मॉक टेस्ट, राइट, 72 घंटे के अंदर अंदर आपको पूरी इवैल्यूएशन करके मिल जाएगी. और आपको कोई भी क्वेरी है अपने, आपको कोई डाउट है अपने टेस्ट से लेके, कोई भी पूछना है आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, राइट, और आपको इवैल्यूएशन तो प्रॉपर मिलनी मिलनी है, लेकिन वैसे आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड के अंदर अवेलेबल है. आपको सेंटर पे आके देना, आप सेंटर पे आके दे सकते हैं, घर बैठ के ऑनलाइन मोड से देना तो आप वो भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, राइट. एक बहुत ही मतलब बहुत ही मेहनत के साथ बनाई हुई टेस्ट सीरीज है, रिसर्च करने के बाद इस टेस्ट सीरीज को बनाया गया है, राइट. आई विल रियली सजेस्ट यू, रिकमेंड यू, इफ यू आर एक्चुअली वांटिंग टू प्रिपेयर फॉर मेंस, गो फॉर दिस टेस्ट सीरीज, इट विल हेल्प यू आउट इन देयर फाइनल मेंस. आपको दिखेगा जब आप प्रिपरेशन करेंगे, जब आप करेंगे टेस्ट सीरीज देंगे भी सही, आपका जब फाइनली मेंस होगा आपको अपने आप उसके रिजल्ट दिखेंगे वहां पर, राइट. सो जस्ट लुक एट, लेट मी शो यू दिस टेस्ट सीरीज. सी दीज आर टेस्ट, यू विल बी गेटिंग 16 टेस्ट और प्राइस आपके सामने है जस्ट ₹8500 के अंदर आपको सारे के सारे टेस्ट मिल जाएंगे. इसका रजिस्ट्रेशन लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा, सपोर्ट नंबर प्रोवाइडेड होगा, कोई भी क्वेरी आप सपोर्ट नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, राइट. सो विद दिस आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू.